यहाँ बैठे लोग सोच सकते हैं कि आप लोग कहाँ हैं। रास्ते में मैं सोच रहा था कि स्वागत तो बोकारो की धरती ने मेरा बढ़िया से किया और स्वागत इस अंदाज में हुआ, जैसे ही बोकारो स्टेशन से हम बाहर निकले तो मुझसे कुछ दूरी पर एक महिला जा रही थी। अब मैंने देखा और देखने के बाद लाल लगता है इशारों में कुछ फेंकती है। लगता है इशारों में कुछ फेंकती है। बादशाह भैया आपकी तवज्जो चाहेंगे। लगता है इशारों में कुछ फेंकती है, तिरछी निगाहों से जो मेरी ओर देखती है। जो पास आई तो माजरा समझ में आया, उसकी आंखें ही टेढ़ी थी, वो तिरछा ही देखती। बहुत अच्छे, शुक्रिया, बहुत आभार। वहाँ से मैं आगे बढ़ा, लेकिन अब तो ये कम वक्त इस उम्र में भी, अब उम्र मतलब ये नहीं कि मैं सठिया गया हूँ, लेकिन शादीशुदा हूँ, बाल बच्चेदार हूँ और ईश्वर की कृपा से एक अच्छी खासी धर्मपत्नी है जिनका सहयोग रहता है। फिर आगे बढ़ा तो एक हमारी एक आरा की ही हैं, उनके मुंह से मैंने चंद्रमुखी शब्द सुना तो मुझे लगा कि अब चंद्रमुखी को ही ले लेते हैं। निश्चित तौर पे वो चंद्रमुखी थी और कुछ गजगामिनी सी चाल, साहित्य की भाषा में गजगामिनी सी चाल को बहुत बढ़िया माना जाता है। जी 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 जी। तो गजगामिनी सी चाल में वो चली जा रही थी। मैंने पूछा, मासूमियत से एक बात पूछी थी, बवाल कर दिया। बहुत मासूमियत से, भाई साहब देखिएगा चेहरे की तरफ, एकदम भोला भाला दिखता हूँ, हालांकि हूँ नहीं लेकिन दिखता जरूर हूँ। मासूमियत से एक बात पूछी थी, बवाल कर दिया। वाह। नोच कर 2.5 इंच के नाखूनों से बुरा हाल कर दिया। बस बगल से गुजरी तो पूछा, मूली का पराठा खाई हो? हाँ। भाग भी न पाया, मार के दोनों गाल लाल लाल कर दिया। क्या मैंने कुछ गलत पूछा था? मुझे लगा मैंने पूछ दिया। अचानक याद आ गया मुझे वो गुजरा जमाना, गया उस गली जिस गली में अक्सर होता था आना जाना। ये उन दिनों की बात है, उन दिनों की बात। वहां जाके जाना वो बन के किसी और की चली गई है। वहां जाके जाना वो बन के किसी और की चली गई है, बन के दुल्हन सजा के डोली वो दूसरी ही गली गई है। क्या बात। बन मुसाफिर पता तो मैंने पा लिया, बन मुसाफिर चला मैं नई डगर एक नई सी गली, जहां रहती है आजकल वो नाजुक कली। सड़क के साथ लगा एक अच्छा सा मकान आया, मैंने धीरे से उसका दरवाजा खटखटाया। एक 10-12 साल का बच्चा बाहर आया, मुझसे मेरा परिचय पूछा और खुद का परिचय बताया। अचानक अंदर से एक पूर्व सुंदरी टाइप महिला आई। क्या परिचय, शब्दों पे गौर करेंगे आप लोग। अचानक अंदर से एक पूर्व सुंदरी टाइप महिला आई। लंबे अरसे के बाद उसकी नजर जो मेरी नजरों से टकराई, जगते मन के अरमानों को सदा के लिए सुला दिया। अच्छे भले फुल टाइम के आशिक को बेटे का मामा बना दिया। वाह 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 वाह। हेलो, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हद तो तब हो गई, ये यही सिलसिला खत्म होता तो एक बात थी। हद तो तब हो गई जब कहा भैया कल आ जाना, रक्षाबंधन के एक दिन पहले पहुंचे थे। हद तो तब हो गई जब कहा भैया कल आ जाना, इसके पापा भी घर पे होंगे, आके राखी बंधवा जाना। बड़ी मुसीबत पाल ली थी हमने। अब मेरा सुझाव यहां से शुरू होता है। यादों में बसे कुछ मीठे संबंधों का दीवाला बना दिया, भागते भागते भी पति के किराए का साला बना दिया। क्या बात है, वाह। और करेंगे, किराए का साला बना दिया। किसने सोचा था रिश्तों में कभी ये पड़ाव आएगा,
फुल टाइम का पूर्वासिक साला और मामा बन जाएगा। वैसे अपने जैसे भूतपूर्व आशिकों को ये मशवरा देते हुए हम ये चलते हैं, हे भूतपूर्व आशिकों, भूल कर भी तुम ये भूल मत करना, ब्याही हो जिस गली में मासू का, उस गली से मत गुजरना, पिछला सब कुछ भूलकर दिलों पे अत्याचार कर देती है, रिश्तों को पटक कर जबरदस्ती बलात्कार कर देती है, जैसा भी हो ठीक हो, अब क्या किसी से दिल लगाना है, जब आखिरी पड़ाव तक जाकर साला और मामा बन जाना है, साला और मामा। वाह वाह वाह। एक पल को भूल गया कि मेरी शादी हो गई है। अच्छा, मैं एक्चुअली क्या था कि एक पार्टी में गए थे और बहुत सारी ये समस्या अक्सर पुरुषों के साथ होती है। हाँ, बहुत सारी समस्याएं मेरे सामने थी। एक पल को भूल गया कि मेरी शादी हो गई है, इधर उधर देखने की आजादी अब खो गई है, कुछ स्पेशल सा दिखा तो नैनों को थोड़ा सेंक लिया। क्या बात, अब यार देखे भी ना, अभी भी नहीं सुधरे। नहीं सुधरेंगे यार, मरते दम तक नहीं सुधरेंगे, हम थोड़े ढीठ किस्म के आशिक। स्वागत है। ये दिल से परेशान है, हम क्या करें, ये मर्द का है कमबख्त है, ये मानता ही नहीं है, हम क्या करें। कुछ स्पेशल सा दिखा तो नैनों को थोड़ा सेंक लिया, नैन मटक्का करते बीबी की सहेली ने मुझे देख लिया। आहा आहा, कितना मासूम सा हूँ, भोला भाला हूँ, भूल गया ये उसी का शहर है, मेरी किसी एक पे मुझ पे सैकड़ों की नजर है। क्या बात है, क्या बात है। खींच तस्वीर बीबी को भेज दिया, वो पागल सी हो गई, एक अधिकार खतरे में देख वो घायल सी हो गई। अभी महज दो चार कदम ही तो आगे बढ़े थे, वो भी पिघल रही थी, वो भी पिघल रही थी, महज दो चार सीढ़ी ही चढ़े थे, आते ही स्थाई वाली ने अपना वजूद ही हिला दिया, बरसों पहले मरी थी नानी उसकी याद दिला दिया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कुछ देर के नयन सुख का भयंकर परिणाम हो गया, नई नई सी आशिकी का जड़ से काम तमाम हो गया। वाह वाह, बीवी ने की सत्कार तो इश्क का बुखार उतर गया, घंटों किया परिश्रम, बहुत देर से लगे हुए थे, घंटों किया परिश्रम, इश्क का सब खुमार उतर गया। मैंने कहा, हे हृदयेश्वरी, हे प्राणेश्वरी, अब तो माफ करो, कान है पकड़े जान बख्श दो, अगला पिछला सब हिसाब साफ करो। हालांकि मैं झूठ बोल रहा था, वो तो लग रहा है। हाँ, माफी मांगनी थी, जान बचानी थी, पब्लिक में पीट रहा था यार, इज्जत का सवाल था। मैंने कहा, हे हृदयेश्वरी, हे प्राणेश्वरी, अब तो माफ करो, जान बख्श दो, अगला पिछला सब हिसाब साफ करो, कान है पकड़े। ये याद कितना मैंने अजीब तरह का इंसान हूं मैं, कान है पकड़े माफ करो, यहाँ भी एक ऑप्शन बचा कर रखा, तेरी माँ की कसम उठाता हूँ, मैं उसकी माँ की कसम खा रहा हूँ। कान है पकड़े माफ करो, तेरी माँ की कसम उठाता हूँ, वादा करता हूँ आखिरी, अब तेरी कसम भी खाता हूँ, जाए मेरी बला से जा रही है। भाई ये यही मंच तक है, घर भी जाना है, बोल देते हैं, अलग बात। सर वीडियो बन रहा हो, आपके घर तक वीडियो पहले पहुंचा दिया जाएगा। पहले से भाई फिर कान पकड़ ले रहे हैं। स्वागत है सर, स्वागत आप है। तक जाएगी ही ये वीडियो, कान पकड़ के खड़े हैं। कान है पकड़े माफ करो, तेरी माँ की कसम उठाता हूँ, वादा करता हूँ आखिरी, तेरी कसम भी खाता हूँ, अब तो ता जिंदगी कहीं न नैनों के पेच लड़ाऊंगा, अगर इजाजत दो देवी तो तुम्हें भी बहन जी कह के ही बुलाऊंगा। आभार, बहुत बहुत आभार। क्या दर्द है। ब्यूटी पार्लर वालों पे न्यायालय में केस कर देंगे। एक अंतिम है ये, आप तक पहुंचे, स्वागत है। ब्यूटी पार्लर वालों पर न्यायालय में केस कर देंगे, जज साहब के सामने उन फरेबियों को पेश कर देंगे। किन को? बड़ी धोखा होता है भाई, हमारे साथ हुआ है, सो हम क्या करें।
ब्यूटी पार्लर वालों पर न्यायालय में केस कर देंगे, जज साहब के सामने सारे फरेबियों को पेश कर देंगे, उसमें जाकर काली भैंस भी गोरी गाय बन जाती है। पेंट पोचारा करवा कर अक्सर उल्लू हमें बनाती है। क्या बात है। जरूरी नहीं कि आपके शब्दों का वजन भारी हो जाए, मजबूरन लोग सुने और सुनना उनकी लाचारी हो जाए। वाह। विवश होकर कोई सुन भी ले तो उनका हाजमा खराब हो जाए, बार बार अंदर बाहर आए जाए, उन्हें पेचिस की बीमारी हो जाए। आप तक, अब कवियों का क्या है, आप तक अपनी बात पहुंचाने को नित नई तरकीब लगाएगा, वो अपने अंतर मन की खुजली श्रोताओं से खुजवाएगा। पेट फूलेगा, अपच भी होगा, जब कोई न सुनने आएगा तो हमारे उद्घोषक महोदय ने जो कहा गधे के कान में, और वो बेचारा हाँ और ना में मुंडी हिलाता है, तो पेट फूलेगा, अपच भी होगा, जब कोई न सुनने आएगा तो कविराज अपनी कविता बैसाख नंदन को भी सुनाएगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। शतरंज की चाल के मोहरे हो, क्यों आधार बना बने फिरते हो, चमचे हो तुम मात्र सत्ता के, झूठे कलमकार बने फिरते हो, सत्य नहीं दिखता तुमको केवल चमचा गिरी ही लिखते हो, लिखने का साहस सत्य नहीं और साहित्यकार बने फिरते हो। वाह वाह। लिखने का साहस सत्य नहीं और साहित्यकार बने फिरते हो। सत्ता, सत्ता का स्थायी विपक्ष कलम है, और कलम जब जब गिरवी हुई है तब तब कोई भी व्यवस्था बर्बाद हुई है। चार पंक्तियां हैं। स्वागत सर। एक विज्ञापन मैंने देखा, एक विज्ञापन मैंने देखा, कल सरकारी अखबार में, एक विज्ञापन मैंने देखा। शब्दों पे गौर करेंगे, सरकारी अखबार मतलब ऑलमोस्ट बिकाऊ। एक विज्ञापन मैंने देखा कल सरकारी अखबार में, नीलामी को तैयार बेचारी, नीलामी को तैयार बेचारी, कलम दिखी बाजार में, नीलामी को तैयार बेचारी। ये कहते हुए हमारी आंखें, हास्य कवि हूं और कहते हुए मेरी आंखें भर आती हैं, देख लीजिए आप लोग। कलमकार बचे हैं या कि दिखता सिर्फ छलावा है, कलमकार बचे हैं या कि दिखता सिर्फ छलावा है, न लगता कुछ भी शेष बचेगा, बारी बारी से धावा है, शायद है अब जो शेष बचे, शायद है अब जो शेष बचे, जीवन जीते बेकार में, वाह, नीलामी को तैयार बेचारी, कलम खड़ी बाजार में, नीलामी को तैयार खड़ी। वाह वाह। बहुत आभार, बहुत आभार आपसे।